मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज क्लास 8 होम साइंस क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. इसकी एक्सरसाइजेस हो चुकी है इन लास्ट वीडियो, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ कैन वी कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री. एंड आंसर इज वी नीड बैलेंस्ड डाइट इफ़ यू वॉन्ट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री. फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर. क्वेश्चन नंबर टू गट है. क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज मल न्यूट्रिशन. एंड आंसर इज बैलेंस्ड डाइट ऑफर्स प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इफ देयर इज लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट there would be malnutrition. Question number 4, what causes goiter in the neck? Aur answer hai deficiency of iodine causes goiter in the neck. Question number 5, what are the diseases caused due to the deficiency of vitamin C? And the answer is retardation of growth, swelling and pain in the joints, hemorrhage of gums and loosening of teeth are the diseases caused due to the deficiency of vitamin C. Question number 6, what causes rickets and beriberi? Answer, deficiency of vitamin B causes beriberi and deficiency of vitamin D causes rickets. Question number 7, what are the main symptoms of kwashiorkor core? And the answer is main symptoms of kwashiorkor core, loss of weight and improper growth. ये 2 points आप यहाँ पे add कर दीजिएगा. What are the main symptoms of marasmus? एंड द आंसर इज 2 पॉइंट्स यहाँ भी आपको इंक्लूड करने हैं. नंबर 1 रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड नंबर 2 डिहाइड्रेशन. ठीक है, फिर आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन. यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बट आपको करने सिर्फ 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मेंशन द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड आंसर है एंड द आंसर इज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड मटेरियल से लेकर के इसका जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है रिड्यूस्ड बॉडीली वेट. यहाँ तक आपको ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट करना है. फिर आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पे. What is anemia? How can it be cured? Just a minute. And this is the answer. Anemia के बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है. ये आपको कंप्लीट करना है. इसका क्योर भी दिया हुआ है साथ में. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट आंसर नंबर 2. फिर आपका लॉन्ग आंसर्स में 2 क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं. ठीक है, बट यहाँ भी आपको 1 क्वेश्चन कट करना है. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है. नेम द विटामिंस नीडेड बाय आवर बॉडी, डिस्कस वेरियस डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू देयर डिफिशियंसी. और इसका आंसर है ये आपको दिख रहा हो मल न्यूट्रिशन ड्यू टू विटामिंस. इस पर विटामिन्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको कंप्लीट करनी है विटामिन के तक. एंड दिस इज़ द लॉन्ग आंसर नंबर 1. ठीक है, जितनी भी विटामिन्स के बारे में हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में हैं, उनके सोर्सेज हैं यहाँ पे, उनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है. और ये है आपका लॉन्ग आंसर. और इस चैप्टर में फिलहाल आपको इतना ही करना है एंड दिस चैप्टर इज़ डन. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.